भाइयों, भिड़े भाई ने अपने शो छोड़ने के ऊपर एक बड़ा खुलासा किया है। पहले आप ये पूरी वीडियो देख लो। कि आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जो कि मेरे नजर में आई, थैंक्स टू माय वाइफ स्नेहल जिसने ये बात मेरे सामने लाई। ये बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, जरा जूम करना इसको। आपने शायद ये देखा होगा, आपने अपने पढ़ा भी होगा, इसमें क्या लिखा है कि गोली को निकाला गया, आज टीएमके ओसी सेठ का पूरा सच बोलूंगा, दया भाभी नहीं आएगी, मैं भी शो छोड़ रहा हूं। मुझे बहुत आश्चर्य भी लगता है और दुख भी होता है इस बात का कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लोग कैसे गलत फायदा उठाते हैं। ये आप जो देख रहे इमेज, वो मैं जब 16 साल पूरे हुए थे तब मैं लाइव गया था सबके साथ बात करने के लिए, उसमें से इमेज कैप्चर करके यहाँ पे उसका थंबनेल बनाया गया है। और ये चैनल है कोई बीटी नाम का, बॉलीवुड टॉप, जिसके 5.4 लाख व्यूज हो चुके हैं। जाहिर सी बातें होंगे कि अगर आप ऐसी इमेज डालोगे और ये सब लिखोगे, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ दर्शक को। तो दोस्तों, भिड़े भाई कहना चाहते हैं कि ऐसी किसी भी तरह की फेक न्यूज इंटरनेट पर ना फैलाई जाए, क्योंकि यार ऐसी जब फेक न्यूज इंटरनेट पर आती है ना, तो लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि वह शो छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं। तो लिटरली यार इससे जनता के बीच कंफ्यूजन होता है। तो भिड़े भाई सामने आकर क्लियर करना चाहते हैं कि वह शो को नहीं छोड़ना चाहते और आगे से किसी भी एक्टर के ऊपर ऐसी न्यूज नहीं आनी चाहिए बार। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आप भिड़े भाई की बातों से सहमत हो तो कमेंट में जरूर लिखे। बाय।